बट तो यहां से बेहतरीन गेंद रोका गया है। अभी भी खतरे की गुंजाइश टीमों के ऊपर थी। और राधिका यहां से लेट कर जाएगी और यहां से गोल करने वाले खड़े महाशय का मैं जस्ट नंबर 17 हरीश एफसी इस वक्त देखें तो कहीं ना कहीं तो चलते हैं मैदान के बीचों बीच। फर्स्ट राउंड का कहीं ना कहीं पांचवा मैच के तौर पे इसके बाद दोनों ही टीमों को आना होगा। मैं दोनों ही टीमों से भी मौका चाहेंगे तैयारी के साथ साथ रेडी बना रहेंगे। तो आज का पांचवा मैच के तौर पे आप हैं बीबीएस बनाव अमृत एफसी टीम का पान ध्यान दीजिएगा। मधु मधु है टीम में और मधु का ये क्रॉस ये भी नहीं, मौका था यहां पर। विजय होंगे आज राइट बैक के तौर पर रोहित महतो होंगे फुल बैक और अर्जुन गागरी। क्या एक्सपीरियंस रहा है एक दिवसीय मैचों का। शुरू से ही आज आक्रमण जो है देखने को मिल रहा है हरीश एफसी। अगला मैच को बोल दें क्योंकि समय नहीं होगा आज हमारे पास। बीबीएस और अमृत एफसी और कहीं ना कहीं राज्य ने ए टीम का थोड़ा सा खुलासा अब करते हैं। होरो एफसी भले ही नाम हो ए टीम अक्सर फाइटर बोज के लिए मैचेस करते हैं और इस टीमों में छोटा होना आपको नजर आएंगे। जैसे फोर में मेन डिफेंडर की किरदार को निभाते हैं, छोटे काटे के हैं लेकिन टीम के प्रति का बड़े बड़े एफर्ट कर जाते हैं, बेहतरीन मैचेस खेलते हैं। फिलहाल मधु का पलवल का अच्छी सुंदर से गेंद को निकाले थे, साथ जरूर पहुंचे जश्न भाई एट के लिए। मौका बन सकता है जश्न भाई के लिए मिस्टर सचिन गेंद तक तो पहुंचने में सफल। फिलहाल और टीम में आपको नजर आएंगे मिस्टर सीताराम, आज कहीं के टेकआउट में है, विश्राम का जरूर समय दिया गया है। मौका बन सकता है सभी टीम के यानी सभी खिलाड़ी को लिए। अच्छी गेंद के साथ और गेंद को निकालने में सक्षम रहे हैं और मेन डिफेंडर का किरदार को निभा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त जर्मन क्यू बाइफ्लेक्स इस बार बेहतरीन गेंद ओ बेहतरीन बचाव कहेंगे गोलकीपर के लिए। जानना चाहेंगे राजन गोलकीपर की नाम। बिल्कुल यहाँ पे स्लाइसिंग दिखी थी, ये देगान पप्पो जी है, रेहान हेलो बिल्कुल ये देगान पप्पो प्रभावित करने वाली गोलकीपिंग और इतने करीब से ली गई थी किक, इस किक को रोकना उतना आसान होता तो नहीं लेकिन रोके जरूर। गजब की गोलकीपिंग देगान के द्वारा और इस प्रकार की कीपिंग्स आगे भी आपकी जरूरत पड़ेगी कि सामने वाली टीम में मधु जैसे स्ट्राइकर मौजूद हैं जो हमेशा विपक्षी टीम के गोलकीपर को परेशान किए करते हैं। बिल्कुल और कहीं कहीं इस परेशान से अभी संतुष्टि नहीं है क्योंकि जब तक मैच में स्कोर ना हो तब तक का पाना मुश्किल होता है कि कुछ भी का पाना संभव नहीं असंभव भी है और संभव करने के लिए कहने के बेहतरीन तालमेल करने के लिए मैच में उस मैच को जीत लिया है कोल्हान टाइगर की टीम ने। जी हाँ दोस्तों ये जानकारी उन तमाम दर्शकों के लिए जो पेनल्टी पर नहीं गए थे। कोल्हान टाइगर अगले दौर पर और फ्री फाइटर इस टूर्नामेंट से बाहर होते हुए चर्चा होगी यहाँ पे खासतौर पर मधु टीम के सुर्खियां बड़े सुर्खियां बटोरते हैं मिस्टर मधु दुर्मी के क्या कमाल के खिलाड़ी हैं 10 नंबर के पोशाक में और इनके पास वो क्षमता है कि किस वक्त पर किस टर्निंग को अपनाया जाए
तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा जर्सी नंबर 8 और जर्सी नंबर 14। ये युवा खिलाड़ी हैं दो, राइट और लेफ्ट जोन को संभाल रहे हैं, और मिडिल फॉरवर्ड से मिस्टर मधु, जिसका नाम बार बार हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं भाई। और इस खिलाड़ी ने ये 80,000 ही नहीं, ये 2 लाख 2.5 लाख जैसे बड़े टूर्नामेंटों में इन्होंने अपना लोहा मंडवा चुका है। और मुझे आज भी याद है कोलाबिरा का वो वाली पारी मिस्टर मधु का, जितना भी तारीफ करें कम पड़ जाएंगे। डेंजर जैसे टीम्स को भी ये पैरों तले दबा कर रखते हैं, दम नाखों दम कर रखा था भाई। तो ये सब एक एक दिन होता है सुजीत, एक दिन आपका होता है, किसी दिन किसी और का होता है। तो देखें तो आज अब उसकी स्वाभाविकता किस प्रकार से दिखती है, यहाँ पर देखना होगा और सोचना और संवारना होगा। और यहां से देखने वाली बात ये है, क्या बचे हुए से समय के बचत, क्या मैच में स्कोर आ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रयास करने वाली टीमों के लिए काफी सुंदर रहा है, और स्वाति चरणों से दोनों टीमें ने बेहतरीन तालमेल का मुजहरा पेश किए हैं। हॉरऑफ सिमनाव हरिसेप सिंह प्रजस नंबर 5 आगे बढ़ने क्रम में, और साथी को मायना करने में सफल हो पाते कि नहीं ये देखने बात होगी। मौका बन सकता है लेकिन बिगाड़ने का काम के हैं बयान टॉप ऑफ। और बेगन जी से नजर फुटबॉल खेले हैं और हमेशा टीम के प्रति आज कमाल धमाल करके हैं। प्रयास काफी सुंदर रहा इस चलते ही मैच के बाद में दोनों टीमों से मंगा चाहेंगे कि मैच अंतिम चुनाव की फर्स्ट अप के कहेंगे, और प्रशंसा की पुल को बांधनी होगी। और कहीं ना कहीं दोनों टीम बेहतर तालमेल का मुजहरा पेश किए हैं। फिलहाल इस मैच के बाद दोनों टीमों को खेलना होगा, इसलिए मैं चाहेंगे दोनों टीमों से कि अतिरिक्त समय ना लेते हुए मंच के सामने चले आएंगे। फिलहाल मधु किरण विजय सदर के लिए सुंदर सा गेंद को सरकाए हैं, बेहतरीन गेंद को निकाले हैं, विजय की रन किक होगी, ओ वाह ये भी स्कोर नहीं हो पाया। और फिलहाल में निर्णायक का किरदार को निभा रहे हैं अमृत डांग, और टीम के प्रति समझते हैं परखते हैं दोनों दलों को खिलाड़ी मैदान के बीच बड़े निर्णायक होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे सचेत रहना होगा, और छोटी छोटी गलती को मैंने पहले भी कहा है माफ नहीं की जाती है। जशु बारा अच्छी की गेंद ब्लॉक हुई है, और देखते ही देखते मौका बन सकता है। पहली बढ़त की तलाश थी मैच में, कोई इसको नहीं, कोई दिलचस्प नहीं। अब कहीं ना कहीं बाद में ऐसा ना हो कि सुजीत आपको पछताना पड़े, 100% मौकाएं आपने खेल के दरमियान बनाए और उन मौकों को आप भुना नहीं पाए, फिर पेनल्टी पर मैच जाएगी तो अक्सर पेनल्टी का रिजल्ट हमने देखा है वह विपरीत होता हुआ। इसीलिए जब भी इस प्रकार गेम क्लोज टू द मैटर आपको मिलता है सामने, तो गोल के लिए जाना चाहिए क्योंकि करीब से आप प्रयास कर रहे हो, चाहे हॉरो की बात करें हरीश
खिलाड़ियों की कमी खल रही है होरो एफसी खासतौर पर। आज इसमें अभिषेक पूर्ति है नहीं, ललित जैसे खिलाड़ी मौजूद नहीं है, बाड़ी जैसे खिलाड़ी इस टीम में खेला करते हैं, शायद इस वजह से थोड़ी बहुत बैकफुट पर खेल रही है टीम और इसका पूरा पूरी फायदा उठाने का कोशिश कर रही है हरीश एफसी की टीम। जी हाँ, इसके बाद वाली मैच नंबर 5 होगा आपका। गेंद रोका गया है, अभी भी खतरे की गुंजाइश टीमों के प्रति। और राधिका यहां से लेट कर जाएगी और यहां से गोल करने वाले खड़े महाशय का मैं जस्ट नंबर 17 हरीश एफसी इस वक्त देखें तो कहीं ना कहीं मौका बन सकता है इस बार। अच्छी प्रयास जश्न बारा बेहतर तालमेल कम हो जा रहा है इस बार दोनों टीमों ने। फिलहाल आगे बढ़ने क्रम में गति दिखाई टीम बहुत ही सुंदर प्रयास रहा है। और कहने के गेंद सीमा से बाहर बट कोने की का हीरा देते हुए नायक चलिए टीम आ चुका है, बस एक टीमों को आना है। मैं उस टीमों से मौका चाहेंगे आप भी चलेंगे जल्दबाजी में विलंब ना करें। जी हाँ, टीम लिस्ट जमा कर देंगे अब कौन सी टीम आए हैं। और जी हाँ, अमृत एफसी की टीम टेक्निकल जोन पर पहुंच चुकी है। विपक्षी टीम से आग्रह है बीबीएस मंटू प्रधान जी, टीम मैनेजर ऑफ बीबीएस टीम, एक की वापसी चाहिए यहां पर मधु वाली टीम को। जर्मन आगे किए हैं, लगता है वापसी की तलाश काफी तेजी से, क्योंकि समय भी बढ़ रहा है, अंतिम क्षण पर मैच है। स्कोर कार्ड को क्यों ना यहां पर सुधार लिया जाए टीम हरीश एफसी। सीताराम अच्छा शॉट लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं।
मौका बनेगा इस बार बैटिंग ताल में गमजरा समय बीत रहा है क्या तो स्लेट की तलाश होगी टीमों को प्रयास काफी सुंदर रहा है देखने वाली बात होगी बैटिंग ताल में गमजरा पेश किया है रोहित टिबो ने और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी इस बार और कहीं ना कहीं गेंद समझ बाग बोल नहीं देखते हैं मैच को पुत्र